आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं, बाहर जाकर किसान की बात करते हो, महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये जानकारी हमने आपको पहले ही दी थी कि किस तरह से इस बार संसद के मॉनसून सत्र में कुछ खास गाइडलाइंस जारी की गई थी कि खास तौर पर संसद के अंदर, संसद परिसर के अंदर भी ना तो कोई धरना हो सकता है, ना ही खास शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्ले कार्ड भी संसद के अंदर नहीं लाया जा सकता, जो कि अमूमन विपक्षी दल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ती महंगाई को लेकर, खास तौर पर क्योंकि 1 जुलाई से जो बढ़ी हुई GST की दरें हैं, उसने पनीर, दूध, छाछ और मूढ़ी जैसी आम जरूरत की चीजों को महंगा कर दिया है, उसके बाद विपक्ष ने जबरदस्त हमला बोला संसद के अंदर सरकार से। और किस तरह से हमला बोला, ये तस्वीरें आप देखिए। पहले संसद के अंदर की लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई आज, तो कुछ इस तरह से प्लेकार्ड लेकर विपक्ष के नेता पहुंच गए, और खास तौर पर बार बार प्लेकार्ड वही लगाया जा रहा था विपक्षी नेताओं द्वारा, विपक्षी सांसदों द्वारा, जहां पर कैमरे का एंगल होता है। एक बार तो खास तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चेहरे पर ये प्लेकार्ड लगाया गया, और खासतौर पर आप देखिए इस प्लेकार्ड में 2014 से पहले और 2014 के बाद की लगातार बढ़ती महंगाई का यहां पर डिटेल जिक्र था कि कितनी मोदी सरकार में महंगाई बढ़ गई है। संसद के अंदर जब हंगामा जबरदस्त तरीके से बड़ा महंगाई के मुद्दे पर लगातार, तो ओम बिरला ने कहा कि आप संसद के अंदर महंगाई की बात नहीं करते, आप संसद के अंदर किसानों की बात नहीं करते, बाहर करते हैं, जबकि खुद संसद के अंदर विपक्ष के नेता महंगाई के मुद्दे पर ही हंगामा कर रहे थे। हंगामा इतना हुआ कि बाद में संसद की कार्यवाही को कुछ घंटे के लिए स्थगित करना पड़ गया। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं, ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं, और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है, ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो, बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। के बाद दोस्तों संसद परिसर के अंदर गांधी प्रतिमा पर, गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने महंगाई के मुद्दे पर जबरदस्त हमला बोला। हालांकि इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ये इस तरह के धरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, और साफ तौर पर गाइडलाइंस में कहा गया था कि इस तरह का कोई धरना या इस तरह का प्लेकार्ड लेकर कोई हंगामा परिसर के अंदर भी ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है, विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। दूध दही में GST वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये महंगाई हाय 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 हाय। दोस्तों पिछले संसद सत्र में भी हमने देखा था कि महंगाई को लेकर हंगामा बहुत हुआ था, पेगासस जासूसी मामले को लेकर हंगामा बहुत हुआ था, लेकिन चर्चा विपक्षी दलों का ये आरोप है कि मुफीद चर्चा महंगाई के मुद्दे पर नहीं हो पाई। लेकिन अब जब महंगाई अपने चरम पर है और सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त देश में, तो क्या विपक्ष का यह दबाव काम आएगा? क्या संसद के भीतर और संसद के बाहर जो प्रदर्शन, जो विरोध विपक्ष के नेताओं ने महंगाई को लेकर किया है, वो कितना दबाव सरकार पर डाल पाता है, और सरकार संसद के अंदर महंगाई को लेकर चर्चा के लिए राजी होती है, ये आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे। दोस्तों हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, ना केवल चैनल को ज्वाइन करें, बल्कि बार बार मैं आपसे कहती हूं थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।